गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे लक्की भारती ब्लॉग में। गाइज, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से, और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बनाए हैं मैंने आलू के परांठे। आलू गिल्ले हो गए थे इसलिए परांठे आज फटाफट बनाऊँगी मैं। ये पालक की कापली, और अभी तो खैर मैंने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने क्या सब नहीं किया है, ये पालक देखो इतना अच्छा है, बाप रे इतना मोटी मोटी पालक ला रखी है चाचा ने। और अभी ब्रेकफास्ट तो किया है, बट 10:30 या 10:30 से ज़्यादा हो गया टाइम, तो चाचा आते हैं 12 बजे लंच करने। तो मेरे को जल्दी ही कापली बनानी पड़ेगी, क्योंकि कापली मैं ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, और चाचा को अच्छी लगती है। आप बोलोगे कि परांठे के लिए भी ऐसे बोलते हैं कि चाचा को मेरे हाथ के अच्छे लगते हैं, सीरियसली गाइस। और परांठे और कापली वगैरह चाचा मेरे हाथ बोलते हैं जब भी लाते हैं, तो भारती तू ही बनाई हो, तो इसलिए कापली भी मैं ही बनाऊँगी आज। और जल्दी से लंच बनाती हूँ। लंच तो खैर मैं क्या बनाऊँगी, ओनली कापली बनाऊँगी, चावल तो चाची बनाएंगे। और चाचा यहीं पे जॉब करते हैं, जो कि रेलवे की कंपनी, यहाँ ढालवाला में है उस वाली कंपनी में। तो चाचा लोगों का लंच कभी 12 बजे कभी 1 बजे हो जाता है, तो मेरे को 11:30 बजे तक कापली बनानी ही होगी। तो टाइम हो गया 10:40 हो गया अभी टाइम, जल्दी से बनाती हूँ इसकी कापली, पालक की कापली। भाई साहब ये पालक देखो जरा कितनी बड़ी बड़ी है। गाइस, मैंने कल लाए थे मार्केट से ये वाले पोहा, और मुझे बनाना तो नहीं आता है। मैं खा भी रही हूँ और बोल रही हूँ कि लक्की को पूछूँगी एक बार, फिर बनाऊँगी कैसे बनते हैं पोहा, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई आइडिया है। कि वैसे यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी वीडियोज़ है, बट मैं उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं उसमें यूट्यूब में, तो इसलिए मैं लक्की को ही पूछूंगी। और आप लोग कमेंट करना कि पोहा कैसे बनता है, और मैंने फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, और मैं खा भी रही हूँ और खाते खाते बोल भी रही हूँ। और मेरी दीदी ने बनाया था अपने रूम पे, तो मैंने वहीं खाया था पोहा, इससे पहले मैंने कहीं भी नहीं खाया था। तो गाइस, अभी काट रही हूँ मैं यहाँ पे पालक, पालक बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मुझे ऐसा काटना पड़ रहा है। और ये बना के बहुत कम होता है, बना के बहुत कम हो, अभी काटने में ज़्यादा दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं कापली को थोड़ा बहुत बारीक बारीक करूँ, गढ़वाली भाषा में बोल दो कापली, कापली को घोटना, गढ़वाली में बोलते हैं कापली थोड़ा घोटना, तो मैं वही कर रही हूँ, कापली को घोट रही हूँ अभी, मतलब इसे बारीक से कर रही हूँ। वैसे तो पीसना था, पीस के स्वाद नहीं आता, तो मैं कटची से ऐसे कर रही हूँ। और फाइनली अभी कापली भी बनके तैयार हो गई, और यहाँ पे लहसुन और प्याज का तड़का लगा रही हूँ मैं, इसमें बारीक काटे हुए मैंने, ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं कापली में डालूँगी ऊपर से। प्याज का तड़का लगा रही हूँ मैं, इसमें बारीक काटे हुए मैंने, ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं कापली में डालूँगी ऊपर से। कापली पे तड़का भी लग गया,
तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम बाईपास अपने टीवी का रिचार्ज करवाने। मेरे साथ चाची भी जा रही है अभी, और लक्की के लिए हम शूज भी लेंगे स्कूल के। ये भगवान भोलेनाथ, पहले यहाँ पे हाट लगता था बहुत सारे कपड़ों और सब्जी की मंडी, आजकल यहाँ पे पार्किंग बना रखी। तो गाइस ये है तलवाल ऑफिस, पहले मैं भी यहाँ जॉब करती थी, आजकल देखते हैं कौन सी लड़की जॉब कर रही है। हाँ, किस नाम से आपका? राजेंद्र प्रसाद। आप ना वो आजकल मतलब हमने वो वाला। गाइस आज मैंने पोहा बनाया है, और नीचे पोहा ऊपर से मैंने इसके ऊपर वो डाल दी है नमकीन। और मैंने पूछा था और यूट्यूब से मैं भी देखी मैंने वीडियोस, और ये है पोहा, ऊपर से मैंने इसमें नमकीन डाल दी है। लाइट के कारण इसका कलर साफ नहीं आ रहा है, और अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें हल्का सा नींबू डालूंगी। और मैंने पोहा बनाते टाइम इसमें चीनी, नमक, हल्दी और हरी मिर्च डाली है, और बारीक से प्याज डाले हैं मैंने। और अभी मैंने बीटरूट और अंगूर और गाजर काट रखे हैं, और आज फ्रूट चाट मेरा इन चीज़ों का है। और बीटरूट मैं इसलिए खाती हूँ कि मेरे पे खून की कमी है थोड़ी बहुत, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था, और बीटरूट खाती हूँ, पीछे से गाजर या अंगूर खाऊंगी क्योंकि बीटरूट मुझे बहुत बेकार लगते हैं खाने में, अजीब सी स्मेल आती है, हल्की सी वाली स्मेल आती है इस पर, तो मैं पीछे से फिर ये खाती हूँ अंगूर या गाजर कुछ भी, अनार वगैरह। आज तो मैंने इसमें अंगूर डाल रखा था, अंगूर ही खाऊंगी।